आज के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग थे इस आध्यात्मिक यात्रा में, अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझ में आ गई तो मैं समझूँ भाग्य का, उस परमात्मा का मैं शुक्रिया करूँगा कि मैं इस काबिल हूँ कि एक बंदे भी बात समझ। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुराना जी का स्पीच भी मतलब इतना अच्छा सुना और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा था और क्यू एन ए भी हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिससे पहले मैंने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनके साथ मंच पे बैठ सकूँ, इनके चरणों में मेरी जगह है और हमेशा रहेगी। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पे इनके साथ बैठी हूँ, अपने गुरु के साथ बैठी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी जो भी बातें इन्होंने कही बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वाजिब है, और इन बातों को सिर्फ सुन के यहाँ से निकल के हमें दफन नहीं करना, हमें उन्हें कैद करना है अपनी रूह के इतने अंदर कि हम उन्हें अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें, अप्लाई कर सकें। वो मैटर करता है, तभी हमें लगेगा हमारा आज का दिन जो है वो सफल हुआ, इनकी वाणी जो है वो सफल रही, इतनी इन्होंने एनर्जीज जो दी वो सफल। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े जो माने जाने एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपके बाजू में बैठे हैं और इतना अच्छा बुक भी आज लॉन्च है और बहुत अच्छा एक स्पीच भी दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो समझ नहीं कि आज सपना पूरा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली जाता था सर के मैंने काफ़ी सारे बैनर देखे, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलते हैं, इनके सत्संग चलता है, प्रोग्राम चलते हैं, इनके सफाई चलती है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। मैं थैंक्स टू दादी और सब प्रोग्राम मिले से धन्यवाद करूँ, मैं परमात्मा का धन्यवाद करूँगी इसी महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। ये मतलब आयुष्मान खुराना साहब की फिल्मों में आने से पहले ही मैं इनका फैन ज़बरदस्त फैन हूँ, मैं आयुष्मान खुराना साहब का बाद में फैन बनाऊँ, पहले मैं इनका फैन बनाऊँ। तो आप सबके सामने मैं कहना चाहूँगा कि सर पी खुराना साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए आयुष्मान खुराना, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्योंकि इनके दो फोन हाफ सुपुत्र जो इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए हैं, एक तो आयुष्मान खुराना था, बोला ना सुपरस्टार, आप भी हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, और बहुत अच्छा लगता है। और इनका नेचर जो है आपको देख के लगता है कि जो बड़ा वृक्ष होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, क्यों झुका होता है, इनसे आप सीख सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष की दुनिया के अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है, जैसे आपको सुनील पाल जी ने भी बताया कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर ना होते तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होते, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही रोमांटिक इंसान है और उन्होंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है, इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस पर्सन। एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी उनका मानना ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, पॉजिटिविटी के साथ उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उतना ही रोल प्ले करती है जितना आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकती, उसे सिर्फ ड्राइव कर सकती है। आपकी जिंदगी के पहिए आप खुद हैं, तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम देखे हैं दुनिया में जो आपको डराते नहीं है, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ देम, सो ही इज वन ऑफ द रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हु इज विद अस राइट नाउ, आचार्य सुब्रमण्यम।